नमस्कार मु रश्मि आपण मानको स्वागत करूछि मो चैनल को। आजरा रेसिपी होउछि सोयाबीन बा मिल मेकर तरकारी। तो चालन तु देखबै रेसिपी आ एथि पई हमको कोन कोन सब दरकार। तो एथि मो सोयाबीन बॉडी नै छि जोटा कि मो मीडियम साइज रो सोयाबीन नै छि। तो एथि गोटे कप पाखा पाखी नै छि। एतिकी सोयाबीन पई दीटा सिझा आलू नै छि मीडियम साइज रो। गोटे बड़ टमाटो को छोट छोट कर अदा आ रसुण पेस्ट गोटे मीडियम साइज रो प्याजर मु पेस्ट बनई नहीं। प्याजर पेस्ट देले आमर तरकार झोलटा टिके मोटा है था। तापरे एठी गोटे बड़ प्याज को बड़ बड़ साइज रो काटि नहीं छी। आउ किछि धनिया पत्र कटा आउ ये गोटे कंचा लंका को काटिक नहीं चाहिए बेसी कंचा लंका भी काटिक नहीं पारे टेस्ट हिसाब से। प्रथम आम नहीं सीझा आलू को एम स्क्वायर साइज रो कर छोट छोट काटिद नहीं था। सोयाबीन बड़ी को गरम पानी करें फुटेबा किसी समय। तो ये पानी रे टिके लुण पकईदे आम सोयाबीन रो टेस्ट अलणा हेनी। तो पानी फुटी गला परे आमे ई सोयाबीन को पाखा पाखी 2 रु 3 मिनट फुटेबा टिके फुली गले एटा को आमे काढिबा। देखन तो एबे हमर सोयाबीन बॉडी गुडा को फुली गलाणी पूरा डबल साइज हे गलाणी। तो एबे एतिर आमे पानी छाणी नबा। टिके ठंडा हे गला परे हातरे एतिरु जो पानी आम सोफ कर भल भाव चिपुड़ ना। तो ये गोटे कड़ाई में तेल गरम करकारी सोरस तेल करें चाहिए रिफाइन अन्य कौन खाइबा तेल यूज करें। तेल गरम हो गला प्रथम आम काटिकी रखी सीझा आलू को भाजी दबा। तो भल भाव गोल्डन ब्राउन हेला पर्यंत ये आलुटा को मु भाजी नौ। आम आलु भल भाव भाजी गला को आम काढ़ी दबा। तो ये तेल नहीं था सोयाबीन बड़ीटा को भी भल भाव भाजी दबा। पखापाखि 2-3 मिनिट पर यहाँ भी आमर होटी। तो एबे को काढ़ी ना गोटे जगह को एबे आम तरकारी बनवाई 2 रु 3 चम्मच सोरस तेल दबा। तापर ये सब गरम मसला पकेबा। तेल गरम होगा जमीक तेजपत्र गुजराती आमर लवंग पिंजटा मुझे भाजी नौ। डालचीन पकेली कारण शेष में गरम मसला रे डालचीन पाउडर टा ही पकेबे। तापर काटिक रखी कंचा लंका दे दउची। एबे नेतिबा अदा रसुण पेस्ट दउची पाखा पाखी 3 चम्मच इतरे लागिबो। मसला टिके जरी आसानी एम पिंजर पेस्ट दे दबा। हाँ एटा को भी भल भाव कि समय कसी नबा। एमर बाटनटा जरी आसला मुझे हलदी गुंड गोटे चामच टंका गुंड गोटे चामच आउ टिके काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर कलर पर जीरा गुंड गोटे चामच आमर धनिया गुंड गोटे चामच। तो ये सब मसला को आम भल भाव मिसई नबु। ये मसलार आम टिके टिके मझे मझे पा दौरा तेल तले लगे कड़ेई आटा को भल भाव जारी नबा।
ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଟମାଟୋଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଟିକେ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଟମାଟୋଟା ଜଲ୍ଦି ଚରିଯିବ। ଏବେ ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଟମାଟୋଟା ସିଝିଗଲାଣି। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଖଡ଼ିକାରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ତରକାରୀ ହିସାବରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଏଇ ମସଲାଟା ରେଡି। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସୋୟାବିନ ବା ମିଲ୍ ମେକର୍ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ବି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ କଷି ନେଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ଝୋଳ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ତରକାରୀ କରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଝୋଳ ବାଲା ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ କଭର୍ କରିକି 5-7 ମିନିଟ୍ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତିର ପାଉଡର୍ ଦେଉଛି 1 ଚାମଚ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଜାର ଗରମ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏଇ ତରକାରୀରେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଏବେ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ଦେଇଦେବା। ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ସୋୟାବିନ ଆଳୁ କିମ୍ବା ମିଲ୍ ମେକର୍ ଆଉ ଆଳୁର ତରକାରୀ। ଆପଣ ଏଇଟା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର।